हेलो एवरीवन आई एम गौरव एंड यू यूर वॉचिंग सो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दी नॉर्थ मैन का जिसे रोबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है फिल्म स्टार्स एलेक्सेंडर स्का निकोल किडमैन आनिया टेलर जो ईथन होक विलियम डो एंड क्लेस बैंग अमंग मैनी अदर्स माई फर्स्ट थॉट्स आफ्टर वॉचिंग द फिल्म वॉज दैट दी नॉर्थ मैन इज एन एपिक पीरियड ड्रामा विद रिच प्रोडक्शन वैल्यूज एंड स्टेलर परफॉर्मेंसेज फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी लेकिन जो भी नॉन इवेंट फिल्म्स हैं या फिर जो फिल्म एंटरटेनमेंट डिलीवर नहीं करती वो फिल्म हाल फिलहाल में फ्लॉप हो रही है सो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से हम किसी फिल्म को जज नहीं कर सकते फिल्म इज बेस्ड ऑन दी लेजेंड ऑफ फैमिलेट इन एडी एट नाइन फाइव किंग ओरवेंडिल अपने किंगडम पे वापस आते हैं और वो बैटल से आते हैं तो वो जख्मी होते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें अपना सक्सेसर अनाउंस कर देना चाहिए थ्रोन के लिए सो so, वो अपने बेटे के साथ एक सेरेमनी में इन्वॉल्व होते हैं अगले दिन ही किंग का भाई फ्योनियर उनको मार देता है वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने में सक्सेसफुल होता है ही इज देन रेस्ड बाय वाइकिंग्स एंड काफी सालों बाद ही गेट्स द चांस टू एवेंज हिज फादर हाउ डज ही प्लान रिवेंज एंड ही

He has directed Witch and Lighthouse earlier and both of them were horror films. Now this is not a horror film but there are few moments which are haunting. So that's the vision of Robert Eggers that makes you feel like it. Characters are well written within their scopes and if you think he is going to spoon feed you everything then you are wrong. There is symbolism and it totally depends on you how you interpret those things. Coming to performances this might be the best performance of Alexander Skarsgård. He is raging throughout the film with his screen presence, and he should definitely be a contender for best performance in Oscars next year. Clay's Bang is the villain here. He has played his role effectively, giving tough competition to the protagonist. Nicole Kidman gets a meaty role, and she delivers on those lines. Anya taylor Taylor's character film is interesting, hai, and she doesn't miss a chance to prove her worth once again. Safe to say, she is the best actress of her generation. Ethan Hukka kafi limited role, hai, but his performance is eye-grabbing. Coming to cinematography, it is one of the best of the year. The contrast, use of light and darkness, different colours, wide shorts, even there is one long take in the first hour of the film. DOP Jarin makes sure to transport you back to that era. Background score is haunting, but also has the dynamics to elevate the battle sequences. ओवरऑल इसको सम अप करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि द नॉर्थ मैन इज अनदर मास्टर क्लास फ्रॉम रोबर्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस आर द आइसिंग ऑन द केक माय रीडिंग फॉर फिल्म इज फोर स्टार्स आउट ऑफ फाइव एंड अगर आपने फिल्म को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको फिल्म कैसी लगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द वेलाइकन मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल